हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेटामॉर्फोसिस और फिर से आपसे सबसे मैं रूबरू हूँ नागेंद्र। और हम चल रहे हैं आजकल सीरीज़ की ओर और एंग्लो सैक्सन जो एज है उसका पहला पार्ट आपने देखा था और मैंने आपको बताया था कि एंग्लो सैक्सन किस तरीके से इंग्लैंड में आए और किस तरीके से इंग्लैंड में जो है सोशल कल्चर और लैंग्वेज में चेंजेस हुए और कैसे जो है इन लोगों ने यहाँ पर अपना एक पूरा आधिपत्य जमाया। हाउ डिड दे कॉन्कर द इंग्लैंड एंड व्हाट वर द पावर्स, व्हाट वर द रीज़न। और मैंने कहा था आपसे कि दूसरे सीरीज़ में मैं बात करूँगा कि इस एज में किस तरीके का लिटरेचर छाया रहा। जैसा कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत ही एंग्लो सैक्सन से होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ज़माने में, जैसे मैंने कहा कि सारे लोग, जितने भी ये पैगन गॉड को मानने वाले लोग थे शुरुआत में, बाद में हालांकि ऑगस्टाइन के आने के बाद इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिवली लिया और धीरे धीरे पूरा नेशन क्रिश्चियनिटी के रंग में रंगने लगा। और 1066 में जब जब नॉर्मन्स लोगों ने नॉर्मेंडी से इन पर अटैक किया जो कि फ्रांस से आए थे, तो तब तक ये पूरी तरह क्रिश्चियनिटी के रंग में रंग चुके थे। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए, ये लोग हार्ड थे, ये लोग वॉरियर्स थे, ये लोग नेचर को मानने वाले थे, ये लोग हीरोइज़म के मानने वाले थे, ये पावर को पूछते थे, ये इस तरीके से जो है, जैसे काम जो बोल्डनेस वाले काम होते हैं उन कामों में इन्हें मज़ा आता था, एडवेंचर्स इनका शौक था, इस तरीके की लाइफ जीने वाले कैसा लिटरेचर लिख सकते हैं। और फिर समाज में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो इनके लिखने में किस तरीके से असर डाल रहा है, इसको देखिए। तो मैं इसको बिल्कुल पॉइंट वाइज समेटता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ 5 पॉइंट में एंग्लो सैक्सन लिटरेचर को समझ सकते हैं। और वो 5 पॉइंट्स थे कि उन 5 पॉइंट्स में क्या आता है आखिर, जो फीचर्स हैं एंग्लो सैक्सन के। तो पहला फीचर मैं आपको बताऊँ वो था कि इनके हर लिटरेचर में एक चीज़ दिखती है कि लव फॉर पर्सनल फ्रीडम, एक इंडिविजुअल की जो स्वतंत्रता है वो, उसका जो लव है, उसके लिए जो पैशन है इनके मन में, वो हमेशा दिखता है। ये चाहे इनकी ज़िंदगी जीने के तरीके में शामिल रहा हो या फिर ये इनके लिटरेचर में जितनी भी कहानियाँ या जितनी भी पोइट्री ये मिलती हैं उन सब में शामिल रहा हो। दूसरी चीज़, जिस दूसरे पॉइंट पे हम इनको समझ सकते हैं इनके लिटरेचर को, कि इनका लिटरेचर बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर रही है। इनके लिटरेचर में आपको नेचर का बहुत बड़ा रोल मिलेगा और हमेशा नेचर की पावर्स और नेचर को पूरी तरह रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पैगन गॉड्स को मानने वाले लोग हैं और नेचर को पूजने वाले लोग हैं और उससे बहुत सारे बैड ओमेंस, गुड ओमेंस, नेचर के वजह से अपनी चीज़ों को प्लान करना, नेचर के हिसाब से टालना। और उस वक्त पे इनके पास नेचर के अलावा कुछ था भी नहीं, क्योंकि साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो नेचर में होने वाले चेंजेस से ही अपनी लाइफ को पूरा कंट्रोल करते थे। तो ऐसा होना लाजमी था, इट वाज वेरी ऑब्वियस देन। फाइन, अब ये दूसरा फीचर था इसका। अब हम तीसरे फीचर की अगर बात करें तो रिलीजन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिस पे लिटरेचर बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखिए क्रिश्चियनिटी के साथ इनका बहुत नाता जुड़ रहा था और क्रिश्चियनिटी वहाँ पहले से मौजूद थी और इनके लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि क्रिश्चियनिटी को समझें, क्रिश्चियनिटी को देखें, एक पैगन गॉड को मानने वाले लोग किस तरीके से जीसस क्राइस्ट को मानने की ओर मुड़े और कैसी चीज़ें उस समय रची। तो ये सारी क्रिश्चियनिटी भी या रिलीजियस एक जो एक फैक्टर था वो भी इनके लिटरेचर को पूरी तरह कमांड करता है। फिर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनके चौथा अगर मैं पॉइंट कहूँ तो वह है रेवरेंस फॉर वुमेनहुड। बड़े मज़े की बात है और ये बहुत अच्छा लगता है जान के कि इनकी एज में, जब इंग्लैंड में बाद में हम बहुत डेवलपमेंट देखते हैं तब भी आप देखते हैं कि और कि वुमेन के लिए बहुत सारे राइट्स नहीं हैं, लेकिन इनकी एज में रेवरेंस फॉर वुमेनहुड था, यानी वुमेन के लिए बड़ी श्रद्धा थी और वुमेन्स को बड़ी अच्छी नज़रों से देखा जाता था, उनको हक भी थे, उनको राइट्स थे और वुमेन वर आल्सो ग्रेट वॉरियर्स। ठीक है, वो भी अच्छा वॉरियर होती थी और वो कई जिम्मेदारियों को साथ में निभाती थी। सो दे यूज़ टू प्रे और दे यूज़ टू कीप द वुमेन एट द प्लेस वेयर यू नो यू कैन से दैट एट डिवाइन प्लेस, डिविनिटी की तरह ये मानते थे वुमेनहुड को। सो दिस ऑल्सो कम्स इन देयर लिटरेचर। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग है
कि क्योंकि ये लोग वॉरियर थे बाय नेचर और क्योंकि ये लोग बोल्ड थे, मौत इनके लिए बहुत खेल मात्र थी और ये किसी भी तरीके के खतरे से जूझने के लिए तैयार रहते थे। तो इनके लिटरेचर में जो दिखता है सबसे ज़्यादा, वो दिखता है स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। ये ग्लोरी चाहते हैं अपने जीवन में, फेम चाहते हैं और उसके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, और रेप्यूटेशन और ग्लोरी ही इनके ज़िंदगी का एकमात्र मकसद होता था कि हीरोइज़म को अचीव करके मरें। सो दिस वॉज ए काइंड ऑफ मेंटल बेंड। तो आप इस तरीके के 5 पॉइंट्स में इस पूरे लिटरेचर को समेट सकते हैं। अब बात आती है, जब अगर ये सारे पॉइंट्स इन लिटरेचर में आने वाले हैं तो लिटरेचर कितने जॉनर्स यानी कितनी विधाएं इसमें थी। तो जॉनर्स की बात करें तो सबसे पहली जॉनर जो था, मैं पहले 3-4 जॉनर ही इसमें थे। पहला जॉनर आप कह सकते हैं कि हीरोइक पोएट्री, क्योंकि हीरोइज़म की बात होनी है तो पहला वही आ जाता है, हीरोइक पोएट्री। तो हीरोइक पोएट्री में आपका एंग्लो सेक्शन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास है बियोवुल्फ, जर्मनिक ट्राइब्स के कल्चर को समझाता हुआ। इवन इसमें कई और भी छिपे हुए थीम हैं, जैसे एरिस्टोक्रेसी और जो है हीरोइज़म, और भी कई चीज़ें हैं जो इसमें मिलती हैं। तो एकमात्र ये कंप्लीट एपिक है जो हमें मिला है, कंप्लीट एपिक आई एम एम्फेसाइजिंग। और ये एपिक ऐसा है एंग्लो सेक्शन का जो बाद में डिसाइफर हुआ, पहले तो उन लैंग्वेज को समझ नहीं पाए थे लोग। तो ये एक ऐसा एपिक है जो कंप्लीट है अपने आप में, और इसमें बियोवुल्फ नाम का हीरो है, और ये एक ऐसी कहानी बन चुकी है आमतौर पर जो हर एक के ज़ुबान पे है। और बियोवुल्फ में हॉलीवुड में मूवी भी बनी है। तो ग्रेंडल नाम की शैतान और उसके बेटे से भिड़ता है और लास्ट में जगह को, उस जगह को, ये डेन्स की कहानी है, तो वहाँ पे लास्ट में ड्रैगन से बचाते हुए शहीद होता है और ताउम्र वो उस जगह की रक्षा करता है। तो बियोवुल्फ एक वॉरियर है। इस पूरे एपिक में और उस ज़माने की चीज़ों में एलिटरेटिव पोएट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एलिटरेटिव यानी एलिटरेशन, जिसमें हो कॉन्सोनेंट वर्ड की आवृत्ति हो। वैसे एलिटरेशन में और भी सेगमेंट होते हैं, आप उसके लिए मेरा जो है फिगर ऑफ स्पीच वाला वीडियो देखिएगा, जिसमें एजोनेंस, कॉन्सोनेंस और भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा समझना है तो एलिटरेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, बहुत था एलिटरेटिव पोएट्री ही होती थी बेसिकली। उसको जैसे हिंदी में आपने सुना होगा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च च वर्ड की आवृत्ति है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। सेम वे ये एलिटरेटिव पोएट्री बहुत होती थी, और बियोवुल्फ इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एलिटरेटिव पोएट्री का। इसके अलावा वॉल्डेयर नाम की हीरोइक पोएट्री है, और द बैटल ऑफ मेल्डन नाम की हीरोइक पोएट्री है। ये कुछ हीरोइक पोएट्री हैं जो बहुत फेमस हैं। दूसरा जॉनर आता है जिसको हम कहेंगे रिलीजियस। मैंने कहा था क्रिश्चियनिटी और बाकी चीज़ों में पहले क्लैशेस थे और बाद में आने लगे सही से। तो रिलीजन की बात करें तो एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन पोएट्री इसके अंदर आती है पूरी, क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हो गया था। और बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स इसमें हैं जिनके पार्ट्स भी हैं, तो मैं केवल नाम ले रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत गहराई में जाना हो जाएगा। आपको मैं सिर्फ वो चीज़ें बता दे रहा हूँ जिसमें आप कुछ चीज़ें और गहराई पे जा सकते हैं। हालांकि एंग्लो सेक्शंस में से अगर जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना भी कर लें तो नेट में इतने से काम चल जाएगा किसी भी कॉम्पिटिशन में। अगर आपको और जानकारी के लिए चाहिए, रिसर्च के लिए, तो आप उसमें और जा सकते हैं। तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव और PDF में भी वो आ जाते हैं क्वेश्चन, अगर और कुछ गहरा जाना हो तो। तो जेनेसिस नाम की एक पोएम है जो रिलीजियस क्रिश्चियन पोएट्री में आती है एंग्लो सेक्शन। एग्जोडस बहुत फेमस पोएम है, डैनियल फेमस पोएम है, जूडिथ एक फेमस है, और द क्राइस्ट फेमस है, जूलियाना फेमस है, द फिनिक्स है, द फेट ऑफ एपोसल्स है, द डिसेंट इनटू हेल है। ये सारी जो है बहुत फेमस रिलीजियस एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन पोएट्री है। दो जॉनर आपको मैंने बताए, हीरोइक, रिलीजियस। तीसरे जॉनर में आते हैं, तीसरा जॉनर बहुत इसमें वो भी यूज हुआ है, वो है एलिजीज यानी शोक गीत, लेमेंटिंग सॉन्ग्स। और ये वो सॉन्ग्स हैं जिनको हम नॉन क्रिश्चियन पोएट्री में भी रख सकते हैं, यानी इसमें रिलीजन कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता। सो व्हेन दे टॉक अबाउट नॉन रिलीजियस पोएट्री, तो एलिजीज कैन बी काउंटर्ड इन दैट ऑल्सो। तो ये कौन सी हैं आखिर? तो इसमें भी बहुत फेमस है, जैसे आपको मैं कहूँ डियोर्स लेमेंट, DEOR, डियोर्स लेमेंट बहुत फेमस है। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ द वॉन्डरर है एक, और है द सी फेयरर है, ठीक है, सी फेयरर, जिसमें बेसिकली एलेगोरिकली समुद्र और भगवान और वहाँ की पावर्स को मैन लाइफ से कंपेयर किया गया है, जितनी सी वोएजेज होती हैं इसको लाया गया है। और द वाइफ्स लेमेंट भी है, द हस्बैंड्स मैसेज भी है, और रियून भी है।
तो इतनी सारी फेमस आपके एलर्जीज भी हैं, तो तीन जॉनर आपके। और लास्ट जॉनर जो इसमें पाया गया लिटरेचर में, इसके बाद जो इसके बाद आप समझिए कि एंग्लो सेक्शन का लिटरेचर का ये लास्ट जॉनर है। तो लास्ट जॉनर में आते हैं प्रोज। प्रोज भी इसमें पाया गया, लेकिन क्या प्रोज इतना टेक्निकल था कि वो ऐसे लिखते थे या आर्टिकल्स लिखते थे या फिर कुछ और तरीके की शॉर्ट स्टोरी या कुछ फिक्शन था? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोज में ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोज में एक खास, दो खास बातें थी। एक था कि इन्होंने कुछ किताबें ट्रांसलेट की थी, दे हैड डन गुड ट्रांसलेशंस, ठीक है, एक वो प्रोज में आएगा। और दूसरा, ज़्यादातर क्रॉनिकल्स आते हैं जिसमें ये हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली डॉक्यूमेंट करते थे। तो ये क्रॉनिकल्स और ट्रांसलेशंस ही प्रोज में माने जाएंगे। तो अगर मैं कुछ फेमस वर्क इसमें बताऊं, तो आपको मैं बता दूं कि पहले तो जो राइटर्स थे प्रोज राइटर्स, वो काफ़ी फेमस हैं, और उन राइटर्स के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। एक तो किंग एल्फ्रेड थे, जो खुद में एक राइटर थे बहुत, और जिन्हें आप जानते हैं कि जो यहाँ पर रूल भी किया जिन्होंने इंग्लैंड में। दूसरे एल्फ्रिक हैं, ALFRIC, एल्फ्रिक। तीसरे वुल्फस्टन है, वुल्फस्टन भी एक अच्छे प्रोज राइटर रहे हैं। और एल्फ्रेड ने ज़्यादातर काम किया क्रॉनिकल्स में, इन्होंने क्रॉनिकल्स को डॉक्यूमेंट किया है, क्योंकि ये राजा भी थे और इनके सामने इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये हिस्टोरिकली उसे डॉक्यूमेंट करना चाहते थे। एल्फ्रिक ने जो काम किया वो कोलोक्वीज में किया है, और कोलोक्वीज हम लिटरेरी टर्म में समझाएंगे कि व्हाट इज़ दैट कोलोक्वीज। और ट्रांसलेशन में जिनका नाम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे गए BDE। तो BDEs एक बहुत गजब का ट्रांसलेशन है BDE का, जो बार बार पूछा जा सकता है, और वही सबसे बढ़िया ट्रांसलेशन है, जिसको हम कहते हैं का हिस्टोरिकल इक्लेसियास्टिका। ये ट्रांसलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल इक्लेसियास्टिका, ये बुक उन्होंने ट्रांसलेट किया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से एंग्लो सेक्शंस यहाँ आए, कैसे पैगन फेथ से वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, कैसे फिर अलग अलग राजाओं का यहाँ आगमन हुआ, चाहे एल्फ्रेड हो या और हो, और लास्ट में लास्ट में नॉर्मन्स के आक्रमण से पहले, जो अगली जातियाँ आक्रमण करने वाली 1066 में, उससे पहले इन्होंने चार जॉनर्स में ऑलरेडी अलिटरेटिव पोएट्री के थ्रू काम कर लिया था, और एक जॉनर प्रोज का था जिसमें बहुत ही आप कहेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा इमेजिनरी ना होके ट्रांसलेशंस और बात चल रही थी क्रॉनिकल्स पे। तो एलिजीज थी और प्रोज था, और एलिजीज में ही नॉन क्रिश्चियन पोएट्री थी, फिर क्रिश्चियन पोएट्री थी एंग्लो सेक्शन की, और इस तरीके से आपने देखा एक हीरोइक पोएट्री थी। तो ये था पूरा एंग्लो सेक्शन का, दो सीरीज़ में आपके सामने एक लब्बो लुआब यानी एक्सट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं कि एक आपको आइडिया मैंने दे दिया है। उसके बाद व्हेन यू गेट यू नो सम फंडामेंटल्स और यू हैव ए गुड नॉलेज और डीप नॉलेज ऑफ सम बैकग्राउंड, देन यू कैन एक्सप्लोर वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज नाउ द कंसेप्ट इज़ क्रिस्टल क्लियर। सो आई होप कि मैं आपको ये कुछ बता पाया हूँ इसमें, और आपने इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं तीसरे सीरीज़ में, और तीसरे में हम लेके आएंगे आपके पास एंग्लो नॉर्मन्स, ठीक है, कि नॉर्मन्स कैसे आए और वो एज कैसे हुई, तो नॉर्मन्स कन्क्वेस्ट कैसे हुआ, इसको लेके आते हैं 1066 से आगे की बात, और फिर इस तरीके से चौसर, फिर एज ऑफ रिवाइवल, और ये चलता ही जाएगा। तो दोस्तों बस आपके लाइक सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा, और आप इसे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग लिटरेचर के लिए इंटरेस्टेड हैं, और इस तरीके से आप मेटामॉर्फोसिस फैमिली का एक हिस्सा बनेंगे, और मैं भी आप लोगों के बीच का एक हिस्सा बनूंगा। सो कीप वॉचिंग नागेंद्रास मेटामॉर्फोसिस।